बोकारो जिला में तीन ग्रिड बन के तैयार है, जैना मोड़ आपका, चंदन क्यारी का बरमसिया और चंद्रपुरा का दुग्धा, तीन ग्रिड बन के तैयार है। हम लोग आपका फॉरेस्ट विभाग के आपत्ति के कारण चालू नहीं हो पा रहा था। डीएमएफटी के बैठक में फॉरेस्ट विभाग जो पैसा देना था हमने वहाँ उठाया था कि डीएमएफटी पैसा दे दिए, इन कुछ लोगों ने कानून का हवाला देकर कहा कि डीएमएफटी का पैसा हम लोग इसमें नहीं दे सकते हैं। हम उस दूसरे दिन आपका कैबिनेट का बैठक था, ये मामला कैबिनेट में उठाया और कैबिनेट सारा पैसा दे दिया फॉरेस्ट को जितना डिमांड किया था। लेकिन अभी कुछ कानूनी अड़चन के चलते फिर 6 महीना से पेंडिंग था, तो अभी फॉरेस्ट विभाग पीसीसीएफ साहब को और जो बिजली विभाग का अधिकारी के वर्मा हाई लेवल के बैठक करके उसने कहा है कल से प्रक्रिया लगकर बहुत कम समय में चालू कराएंगे। आज देखिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बिजली बोर्ड, झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन तीन विभागों के वरीय पदाधिकारी बोकारो में बिजली आपूर्ति में सुधार करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए और जो मुख्य बिंदु जिन पर सहमति बनी उसमें जैना मोड़ से संबंधित जो फॉरेस्ट का क्लियरेंस है उस पर जो भी राशि हमारे पास है उपलब्ध उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा करने पर यह आश्वासन मिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि हम कार्य अनुमति देने के बारे में आपको स्वीकृति शीघ्र दे देंगे। तो जो हमारे झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के महाप्रबंधक हैं श्री अनिल भारतीयम, उनको हमने ये निर्देश दिया कि वो अभी रांची में ही रुक करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पुनः कल प्रस्ताव जमा करके और कार्यानुमति लेकर के ही ये मुख्यालय छोड़ेंगे। ये अनुमति मिलने के बाद जैना मोड़ का जो लाइन है उसका ऊर्जान्वयन का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि उसमें 95% काम पूरा किया हुआ है। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।